चाहिए। सबसे पहले तो 15 अगस्त की आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरे देश के माध्यम से हम जितने भी देशवासी हैं, जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, इन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारा जज्बा है जो स्वतंत्रता का, हमें अपने देश को जो तो आगे रखना है और इसी प्रकार से जो तो हमें उनको आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है बिना किसी मत संप्रदाय, धर्म, जात या किसी संप्रदाय में चक्कर में पड़ करके हमें देश को आगे बढ़ाना है, आगे और सबको शक्ति के रूप में करना है। आज का आयोजन बहुत अच्छा और मैं सफल मानता हूँ। जैसा कि मैं हर साल इसमें प्रतिभाग करता हूँ अपने वाहिनी के जवानों और अधिकारियों के साथ, इस बार मौसम जरूर थोड़ा हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से ये मुहिम 3 वर्ष पहले चलाई गई थी, लोगों का जोश जिस तरीके से दिख रहा है, इसके लिए मैं अमर उजाला परिवार और साथ ही साथ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन का भी आभारी हूँ। ये जो है देशवासियों के मन में एक हमेशा शंका रहती है कि इस मुहिम को इसलिए क्यों चलाया जा रहा है, क्या इसी से हमारी देशभक्ति साबित होगी? नहीं, इस मुहिम के जरिए हम अमर बलिदानियों को एक सद्भावना भी देते हैं जिन्होंने इसकी आन बान शान के लिए अपना अंतिम बलिदान दिया। इसी के साथ उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो तिरंगे को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखते, और जो उत्साह और जिस उत्साह से जनता आज के डेट में जो हम यहाँ के देखते हैं भागीदारी में, जिस उत्साह से ओतप्रोत होकर के लोग भागीदारी कर रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारत सरकार की ये मुहिम आज न कल पूरे रंग में आएगी और बहुत अच्छा इसका परिणाम होगा। धन्यवाद। और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं यही कह सकता हूँ कि आज़ादी का जो ये उत्सव, इसके लिए जाने कितनी बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को खोया है, जाने कि माताओं ने अपने सपनों को खोया है, तब जाकर के हमें आज़ादी का ये अवसर मिला है। हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सबको आज के इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज़ादी हमारी बनी रहे, हमारे जो कर्तव्य हैं उस कर्तव्य का भी हमें निर्वहन करना है। और देश कैसे मजबूत हो, देश कैसे मजबूत हो, जब मजबूत हाथों में नेतृत्व होता है तो निश्चित रूप से देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और जैसा कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, आज पड़ोसी मुल्क में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से छिन्न भिन्न व्यवस्था है और भारत दुनिया के एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए इस देश को, जनता, इस देश की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ। ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का साथ हो रहा है उसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं आप? और देखिए, बांग्लादेश में
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।